मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकार वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गणितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहितुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाद्विया शंभो शिव 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 नारायण 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 भगवद गीता 5:11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये नारायण यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य
सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से ही सृष्टि की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति हुई है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपनी शक्ति प्रकृति के योग से पंचभूत और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। जो व्यक्ति देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से निष्पन्न स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों का भगवदर्थ अनुष्ठान करता है, उसके कर्म का पर्यवसान ब्रह्म की समुपलब्धि में होती है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अनुसार परब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति हुई है। शब्द ब्रह्म कहते हैं वेद को। शब्द ब्रह्म से ही कर्मों की निष्पत्ति हुई है। कर्म का पर्यवसान पुनर्भव में है, पर्जन्य आदि के द्वार से जन्म लेने और जन्म देने की योग्यता को परिपुष्ट करने में कर्म का पर्यवसान होता है। इसके विपरीत कर्म का जो उद्गम स्थान परमात्म तत्व, भगवत तत्व या आत्म तत्व है, कदाचित कर्ता उस परमात्म तत्व को लक्ष्य बनाकर ही स्वकर्मों का अनुष्ठान करे तो उसके कर्म का पर्यवसान अंतःकरण की शुद्धि भगवत भक्ति या तत्व ज्ञान के द्वार से परमात्म तत्व की आत्मरूपता के बोध में ही संभव है। अतः कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। पांचवें अध्याय में आत्मशुद्धये शब्द का प्रयोग है, छठे में योगमात्मशुद्धये शब्द का प्रयोग है। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, समाधि या योग से अंतःकरण की विशुद्धि होती है। आत्मशुद्धये आत्मविशुद्धये भी उपसर्ग अतिरिक्त है छठे अध्याय में। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यस्यात्म तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18वें अध्याय के वचन के अनुसार उपासना या भक्ति का पर्यवसान तत्व ज्ञान में होता है। तत्व ज्ञान का पर्यवसान तत्वानुरूप तत्व स्थिति में मान्य है। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। कूर्म पुराण से पुराण आदि के अनुसार यह तथ्य सिद्ध है, कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। तुलसीदास जी ने स्वल्प शब्दों में साधन सरणी का विवेचन किया। धर्म ते विरति, धर्म का वास्तव फल है वैराग्य। वैराग्य को ही विरति कहते हैं। वैराग्य का पर्यवसान योग में होना चाहिए। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, और योग का पर्यवसान ज्ञान में होना चाहिए। ज्ञान से मोक्ष होता है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम ही मुक्ति है। आत्मा नित्य मुक्त है, लेकिन इस तथ्य की
अनुभूति होने पर मुक्ति सुलभ होती है। साधन सरणी का उल्लेख कर दिया तुलसीदास जी ने, धर्म ते विरति। धर्म का पर्यवसान वैराग्य में होना चाहिए, वैराग्य का पर्यवसान योग अर्थात समाधि में होना चाहिए। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य महाभाग का कथन है, अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित से प्रबोध। जिसके जीवन में अत्यंत वैराग्य की प्रतिष्ठा होती है उसी को योग की अर्थात समाधि की प्राप्ति होती है। जो समाधि निष्ठ है उसे कालांतर में तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है। कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति तत्व ज्ञान से ही संभव है। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार सगुण साकार भगवान की उपासना से सायुज्य सालोक्य सामीप्य सारूप्य सारष्टि इन मुक्तियों की समुपलब्धि संभव है। जबकि कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति तत्व ज्ञान से ही संभव है। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार सारष्टि मोक्ष का वर्णन वेदांड उपनिषद में हुआ है। सारूप्य सामीप्य सालोक्य सायुज्य मोक्ष का वर्णन और कैवल्य मोक्ष का वर्णन मुक्ति को उपनिषद में हुआ है। सगुण साकार भगवान की आराधना के फलस्वरूप सायुज्य सालोक्य सामीप्य सारूप्य संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्थता का चंचल निश्चय होने पर कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। कैवल्य मोक्ष का अर्थ है आत्मतत्व सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद मुक्त सदघन चिदघन आनंदघन है। आत्मतत्व का अर्थ होता है मैं, हमारा जो वास्तव स्वरूप है उसी का नाम आत्मा है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवत पहला स्कंद अध्याय दो। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, वास्तव वस्तु क्या है? आत्मतत्व। शिवदम वो शिव स्वरूप है तो शिवद भी है, जो शिव स्वरूप होता है वही शिवद होता है। शिवद माने शिव कल्याण को प्रदान करने वाला शिवद। भगवान के तीन नाम हैं शिव शंकर प्रलयंकर। शिव स्वरूप प्रधान नाम है, शंकर स्वभाव प्रधान नाम है, प्रलयंकर प्रभाव प्रधान नाम है। अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है स्वरूप, दाह और प्रकाश को विकीर्ण करना उसका स्वभाव है, अंधकार और शैत्य का प्रनोदन करना उसका प्रभाव है। प्रतिबंधक न होने पर स्वरूप के अनुरूप स्वभाव और स्वभाव के अनुरूप प्रभाव की अभिव्यक्ति सुनिश्चित है। तो अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है, पहले अग्नि तत्व दाह प्रकाश से युक्त है इसलिए दाहक है प्रकाशक है। इसी प्रकार से आत्मा शिव शंकर प्रलयंकर स्वरूप प्रधान नाम है शिव। शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेय। शंकर स्वभाव प्रधान नाम है, स्वरूप के अनुरूप ही स्वभाव है। शंकर माने कल्याण की वर्षा करने वाले। प्रलयंकर का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप का अपनोदन अपहरण करने वाले। जीवन में सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति हो इसके लिए आवश्यक है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं का अनुशीलन करें। समाधि का पर्यवसान सुषुप्ति में कर लेते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को समाधि का अनुभव है नहीं, होता भी नहीं, इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति। सुषुप्ति की क्या महिमा है?
द्वंद्व और दुख से विनिर्मुक्त भूमि का नाम सुषुप्ति है। द्वंद्व और दुख की पहुँच सुषुप्ति में नहीं है, लेकिन द्वंद्व और दुख की बीजावस्था शेष रहती है, इसी का नाम सुषुप्ति। द्वंद्व और दुख की प्राप्ति ना हो लेकिन द्वंद्व और दुख की बीजावस्था शेष रह जाए, इसी का नाम सुषुप्ति या गाढ़ी नींद है। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? अध्यास विहीन स्थिति का नाम है गाढ़ी नींद। अविद्या रह जाए, अध्यास न रहे, उसी का नाम है गाढ़ी नींद या सुषुप्ति। अध्यास, अध्यासो विद्या कृतः, श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंध। अध्यासो विद्या कृतः, अध्यास जो है अविद्याकृत है, अविद्यक। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में अध्यास को ही अविद्या माना, लेकिन विवेक चूड़ामणि में अध्यास के बीज का नाम अविद्या है। भगवान शंकराचार्य का तात्पर्य क्या था? यह तात्पर्य था अविद्या अध्यास के द्वार से ही जन्म मृत्यु में हेतु बनती है। अविद्या जब तक अध्यास के रूप में फलीभूत ना हो तब तक वेदना देने में समर्थ नहीं होती अभिप्राय। सुषुप्ति में अविद्या तो शेष रहती है। अहमी च प्रसुप्ते, श्रीमद्भागवत 11वां स्कंध। अहमी च प्रसुप्ते, अहम जब सो जाता है तब गाढ़ी नींद या सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए वाच्यार्थ भूमि में जो अहम है उसी को जो आत्मा मानते हैं, उनकी इस मान्यता पर श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंध का यह वचन पानी फेर देता है। अहमिचा प्रसुप्ते, अहम भी प्रसुप्त हो जाए तब गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। वाच्यार्थ कोटि प्रविष्ट अगर अहमर्थ ही आत्मा हो तब तो सुषुप्ति में ही क्या हो जाए, अहम का विलोप हो जाए। इसलिए अहमिचा प्रसुप्ते, सुषुप्ति में अहम की गति नहीं। एक बड़ी विचित्र बात है, द्वंद्व और दुख की गति अहम तक गाढ़ी नींद में, चूँकि अहम सो जाता है, प्रसुप्त हो जाता है, बीज भावापन्न हो जाता है, इसलिए गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं है। इस पर भी फिर पूर्व पक्ष प्राप्त होता है, सुखमाम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम मामप्यम नज्ञासीसम, या परामर्श या स्मरण प्राप्त होता है नींद टूटने के बाद। सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम मामप्य हम नज्ञासीसम, मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना यहाँ तक कि अहम को भी नहीं जाना। लेकिन एक पक्ष प्राप्त होता है कि जो अनुभविता होता है सेवानंद जी, वही स्मरता होता है। सा मे माता, यह स्मरण है वह मेरी माँ, जिसने माँ का अनुभव किया उसी को स्मरण होता है सा मे माता। यदि गाढ़ी नींद में अहम सुप्त था ही नहीं, विगलित हो गया था, तो गाढ़ी नींद टूटने पर सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम मामप्य हम न ज्ञासीसम, इस प्रकार का परामर्श या स्मरण कैसे हो? इसका उत्तर है कि अहम के रूप में शेष न रहने पर भी बीज भावापन्न होकर शेष था। उस बीज भूमि में जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति का स्मरण बीज भूमि से अहम की अभिव्यक्ति के अनंतर होता है। इसलिए सुषुप्ति में अहम साक्षात विद्यमान नहीं है। जब तक अहम है तब तक द्वंद्व दुख है ही। मियाँ के दौर मस्जिद तक, द्वंद्व और दुख के दौर कहाँ तक, जहाँ तक मुसलमान को बुरा न माने, वृंदावन में नित्य होली है। हमने क्या संकेत किया? अहम
तक ही द्वंद्वों की गति है, दुख की गति। व्यवहार संपादन के लिए हम रहे लेकिन बाधित होकर उद्भासित हो, यही जीवन मुक्ति है। व्यवहार सिद्धि के लिए हम रहने पर भी वस्तुतः हम बाधित हो, अर्थात आत्मतत्व के विज्ञान से वाच्यार्थ कोटि प्रविष्ट हम के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए, तो तत्वज्ञों के जीवन में जो अहम होता है, मृदु होता है। बहुत बढ़िया है, एक उदाहरण दिया है महापुरुषों ने, चना है, चना को भून लेते हैं, भुने हुए चना का स्वाद और बढ़ जाता है, स्वादिष्ट होता है, भर्जित बीजवत इसको कहते हैं, भूख की निवृत्ति, पुष्टि, तृप्ति में वो भुना हुआ चना प्रयुक्त विनियुक्त तो है, लेकिन भर्जित भुने हुए चने को ऋतुकाल में उर्वर भूमि में बो देने पर भी अंकुरादि की निष्पत्ति उससे नहीं हो सकती। जीवन मुक्तों का जो चित्त होता है भर्जित बीजवत होता है, व्यवहार संपादन में समर्थ होने पर भी उत्क्रमण और पुनर्भव में हेतु नहीं होता। उत्क्रमण माने देहत्याग के पश्चात भुवा स्वा मह जना तपा सत्यम लोकों में पुर्यष्टक सहित जीव कला की गति का नाम उत्क्रमण है। पुनर्भव का अर्थ है मर्त्य लोक में या इसके नीचे के लोक में पुनः पुर्यष्टक सहित जीव कला देह प्राप्त करने से का नाम है पुनर्भव। उत्क्रमण पुनर्भव दोनों से विहीन। दृष्टांत में क्या लेंगे, भर्जित बीज है, ऋतुकाल में उर्वर भूमि में बो देने पर भी उत्क्रमण नहीं होता, मन अंकुर आदि की गति नहीं होती, स्थिति नहीं, ऊर्ध्वगमन। पुनर्भव नहीं होता मन चना से चना पुनः उत्पन्न नहीं होता। उत्क्रमण पुनर्भव विहीन हो जाता है भर्जित बीज, लेकिन उसकी अर्थक क्रियाकारिता शेष रहती है, अर्थात भुने हुए चने को पाने पर भी व्यक्ति को स्वाद प्राप्त होता है, भूख की निवृत्ति होती है, तृप्ति की प्राप्ति होती है। पूज्यपाद महाराज से हंसाते भी थे, हम तो हंसाना रोना रुलाना जानते नहीं। एक जगह काशगंज में मैं शंकराचार्य था, तब एक महात्मा के यहाँ 15 दिन या कितने दिन प्रवचन किया, 1 घंटा। बाद में एक सेठ ने कहा मेरे 15 घंटे आपने खराब कर दिया। हमने कहा कैसे खराब किया, एक बार भी रोने और हंसने का अवसर नहीं मिला, वो कथा है ये व्यथा बात तो ठीक है, कह 15 दिन में 1-1 घंटा रोज आपका प्रवचन हमने सुना, लेकिन मेरे 15 घंटे बेकार हो गए, एक बार भी हंसने या रोने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक गीता पर, गीता की दृष्टि से प्रवचन हो, कितने बार हंसने का अवसर मिलेगा, कितने बार रोने का अवसर मिलेगा क्यों? इधर उधर की बात ना करें, गीता के अनुरूप ही अगर गीता की व्याख्या करें। पहला अध्याय में विषाद हो गया, इसलिए हमने दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक गीता पर प्रवचन हो, अगर इधर उधर की बात न करें तो तत्व मीमांसा में कितने बार हंसने का, कितने बार रोने का अवसर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हंसने रोने से ऊपर की विद्या है या नहीं? नित्य हास, लेकिन हंसना रोना दोनों से ऊपर। और वृंदावन वाले क्या कहेंगे, हंसना गाना, हंसना रोना, सिसकना, यह आहू की जागीर। भक्ति में हंसना भी होता है, रोना भी होता है, ये सब भक्ति का विलास। बहुत बढ़िया, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन हमने संकेत किया, क्या संकेत किया हमने, यह संकेत किया कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवल रपि योगिना कर्म कुर्वंत संघंत अक्तवात्म शुद्धये। कर्म को जब ऊर्ध्वमुख कर देते हैं तब कर्म का पर्यवसान
वेद के द्वार से ब्रह्मात्म तत्व की अभिव्यक्ति में हो जाता है। गीता का तीसरा अध्याय। परब्रह्म परमात्मा से शब्द ब्रह्म से यज्ञ दान तप इत्यादि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मों की निष्पत्ति होती है। कर्म का उद्गम स्थान शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म का उद्गम स्थान परब्रह्म है। लेकिन कर्म यज्ञ का रूप धारण करके कर्म में और यज्ञ में अब अंतर भेद। अपूर्व संज्ञक जब कर्म हो जाता है तब उसका नाम यज्ञ हो जाता है। कर्म का पर्यवसान यज्ञ में हुआ, यज्ञ का पर्यवसान परजन्य में हुआ, परजन्य का अर्थ है सुवृष्टि, परजन्य का पर्यवसान किसमें हुआ, अन्न में हुआ, अन्न का पर्यवसान किसमें हुआ, रजवीर इत्यादि की निष्पत्ति में अर्थात जन्म देने की योग्यता की परिपुष्टि में। कर्म अगर अधोगति को प्राप्त हो, माने कर्म अगर नीचे की ओर आप्लावित हो तो उसका पर्यवसान पुनर्भव में होता है, जन्म देने की योग्यता परिपुष्ट होती है। और कहीं कर्म ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, कर्म को यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम येन सर्विदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, ऊर्ध्वमुख कर देते हैं तो कर्म और ब्रह्म के बीच में केवल वेद रूप एक घाटी शेष है। उस वेद का अतिक्रमण करके कर्म व्यक्ति के जीवन में ब्रह्म तक पहुँचाने का बल और वेग प्रदान कर देता है। कर्म को ऊर्ध्वमुख करें, अधोमुख करेंगे तो पुनर्भव, ऊर्ध्वमुख करेंगे तो पुनर्भव की योग्यता को ही जला देने में समर्थ है कर्म तत्व ज्ञान के द्वार से। कर्म का पर्यवसान समाधि में, समाधि का पर्यवसान तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान का पर्यवसान मोक्ष में। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु मजानन्ता श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चात्सरन्त्येव मृत्युं सुतपरायणाः। गीता श्री राम सुखदास जी आदि ने नया मार्ग निकाला था, जयदयाल जी ने, राम सुखदास जी आदि ने। इस श्लोक के आधार पर वे कहते थे प्रत्येक साधन की गति मोक्ष में है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्येत्वे मजानन्ता श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चात्तरन्त्येव मृत्युं सुतपरायणाः। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म से भी मोक्ष, भक्ति से भी मोक्ष, योग से भी मोक्ष, ज्ञान से भी मोक्ष। जयदयाल गोविंद का जी, राम सुखदास जी, मान भाव निंदा नहीं कर रहा, उनकी मान्यता का अनुवाद कर रहा हूँ, ऐसा ही मानते। लेकिन योग मात्र विशुद्धये कायेन मनसा बुद्धिया केवले हृदयरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। पाँचवा अध्याय, छठा अध्याय योग मात्र विशुद्धये, और अठारहवा अध्याय भक्तिया माम अभिजानाति आवान नश्यास्मि तत्वतः तत्व माम तत्व तो ज्ञातवा विशते तदनंतरम। इसका क्या करें? इसलिए हर साधन की साक्षात गति परमात्म तत्व में है या नहीं मानना चाहिए। अतः कर्मणा जायते भक्ति ही, कर्म कूर्म पुराण और शिव पुराण का अध्ययन करें। कर्मणा जायते भक्ति ही, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही, यह शास्त्र की सरणी है। कर्मणा जायते भक्ति, कर्म का पर्यवसान है भगवत भक्ति में, भक्ति का पर्यवसान है, भक्ति को ही योग भी कहते हैं, योग का पर्यवसान है, भक्ति का पर्यवसान है तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान का पर्यवसान है मोक्ष में। आत्म तत्व निर्गुण निराकार है निरुपाधिक भूमि में। लेकिन जब सायुज्य मोक्ष कहते हैं, सारूप्य सामिप्य सालोक्य साष्टीय मोक्ष कहते हैं, वेदांगक उपनिषद और मुक्तिकोपनिषद के अनुसार, तब सगुण साकार परमात्मा को लेकर इन मुक्तियों की प्राप्ति होती है। हम भगवान को निमित्त और उपादान
दोनों कारण मानते हैं। इसलिए हमारे भगवान का अर्थ क्या होता है सेवानंद, हमारी शास्त्र सम्मत मान्यता के अनुसार सिद्ध भगवान, यही ना हमारे भगवान का अर्थ। वैशेषिकों के भगवान, नैयायिकों के भगवान, शेष्वर सांख्यवादियों के भगवान, शेष्वर सांख्यवादी माने योगी, वैशेषिकों के भगवान, नैयायिकों के भगवान, शेष्वर सांख्यवादी योगियों के भगवान, वेदांतियों के भगवान में अंतर किया, मान्यता को लेकर अंतर है। भगवान तो जैसे हैं वैसे हैं, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रीधर स्वामी जी ने अजामिल का जो उपाख्यान है श्रीमद् भागवत में, उसकी व्याख्या में इस तथ्य को उद्भाषित किया, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, विष को कोई विष समझकर पी ले तो मरे बिना न रहे, विष को कोई विष न समझकर पी ले तो मरे बिना न रहे, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रीधर स्वामी, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि श्रीमद् भागवत का अर्थ लगाना श्रीधरी के बिना संभव नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो श्रीधरी टीका को ही मानते थे, यहाँ तक कह दिया उन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वामी, तो स्वामी को न माने वो पतिव्रता कैसे, श्रीधर स्वामी को नहीं मानोगे तो भागवत का अर्थ कैसे लगाओगे। श्री वल्लभाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में नौका पर यह वाक्य बोला था, स्वामी माने श्रीधर स्वामी। वृंदावन की गाथा क्या है मालूम है, जब तक अन्य संप्रदाय की टीका श्रीमद् भागवत पर प्रकाशित नहीं थी तब तक यहाँ जो श्री नत्थी राम पंडित जी, जिनसे मैंने भागवत पढ़ा 3-4 स्कंद, वो कहते थे हम लोगों की लाचारी थी, वैष्णवों की टीका छपी नहीं थी, तो वैष्णव होने पर भी हम श्रीधरी टीका ही पढ़ाते थे और क्या करते। गीता फिर से हिंदी अनुवाद उन दिनों छपा नहीं था, तब की बात है। श्रीधरी टीका, श्रीधर स्वामी जो थे गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य थे, इसलिए श्रीमद् भागवत पर जो भाष्य है वो गोवर्धन मठ पुरी पीठ के आचार्य की देन है, बाद में गोमठ काशी में रहने लगे। श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठ पुरी पीठ के कितने नंबर के शंकराचार्य थे, 116 में शंकराचार्य गोवर्धन पीठ श्रीधरी टीका के रचयिता। तो हमने कहा कायेन मनसा बुद्धिया केवले इंद्रियरपि, इसको देहेंद्री प्राणांतकरण प्राण उपोद्वलक है, एक बहुत उत्तम तथ्य है। एको नविंशत मुखा है, मांडूक उपनिषद में कहा गया वैश्वानर और हिरण्यगर्भ जो होता है 19 मुखों से युक्त होता है, एको नविंशत मुखा 19 मुख। रावण के कितने मुख थे बाहर से, चुलबुल बोलो बोलेगा हैं, 10 बाहर से, अंदर से 19। हमारे आपके भी 19 मुख हैं बैठ, मुख माने उपलब्धि स्थान। कहाँ लिखा है मांडूक के उपनिषद एको नविंशत मुखा, 19 मुख हमारे आपके हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ कितने हो गए 10, अंतःकरण चतुष्टय 4, 14। प्राण साक्षात करण न होने पर भी करण का उपोद्वलक होने के कारण करण कोटि प्रविष्ट है। प्राण जो है साक्षात करण नहीं है, करण के उपोद्वलक हैं, तथापि 19 की पूर्ति के लिए 5 प्राण भी करण कोटि प्रविष्ट मान लिए जाते हैं। पहले चलता था शब्द शिष्य कोटि प्रविष्ट, इसी प्रकार करण कोटि प्रविष्ट प्राण साक्षात करण नहीं है, बहुत ऊंचा रहस्य है। प्राण की विशेषता क्या है, अहमिति आसक्ति से भिन्नता।
प्राण कितने घंटे सोता है? सोता है क्या? प्राण में आलस्य है? अहंकृति आसक्ति से विहीनता के कारण प्राण सोता ही नहीं, प्राणस्पंदन चलता या नहीं। और लोक लोकांतरों में जाना हो तो भी प्राण रूपी रथ पर आरूढ़ होकर ही जीव जाएगा। प्राण को निद्रा क्यों नहीं आती? क्या इसमें कला है, ज्ञान है? अहमिति आसक्ति विहीनता, साक्षात प्राण को लेकर अहम का उदय नहीं होता। मैं प्राणी हूँ कहाँ भाव बनता है? साक्षात प्राण को ले अगल बगल, साक्षात प्राण को लेकर, प्राण जब भोजन करता है व्यक्ति, चाट चाहिए पकौड़ी चाहिए, बिना दही के कैसे क्या रस परिपाक हो जाए। एक महात्मा कहते रस परिपाक हो जाए। प्राण जो है बहुत विचित्र, तुलसीदास ने क्या लिखा, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। अब जिनको दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, रामचरितमानस की इस पंक्ति का अर्थ लगा लेंगे, मुखिया मुख के समान चाहिए। मुख का अर्थ क्या होगा सेवाजन जी? मुखगत प्राण। यहाँ मुख की लक्षणा किसमें करनी पड़ेगी? मुखगत प्राण में। ऐसे ही अब रामचरितमानस की एक पंक्ति रख दें, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तेक सचेता सब कर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवतपत सोई। जिसको संपूर्ण वेदांत सदा नहीं है इस पंक्ति का अर्थ नहीं कर सकता। इसलिए रामायणी जो आजकल हैं उनकी लाचारी है, दर्शन साहब जानते नहीं। तो कथा भाग तो कह सकते हैं, दर्शन भाग नहीं कह सकते। यहीं पर हमने वो जो रामानु जी थे ना, उनसे कहा था, बाद में उन्होंने हमारी बात बहुत साल बाद मानी। यहीं भाव वावेश्वर होता था ना, हम लोग अपने वो अनुष्ठान करते रहते ठाकुर जी के गुरु जी। हमने कहा रामानुज जी बाद में आप पछताएंगे। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा कि आपने दर्शन भाग छोड़ दिया, भागवत में कथा भाग को नहीं छोड़ा। आपके चेले चपाटी बाद में कथा भाग भी छोड़ देंगे, नाचना गाना शुरू कर देंगे, तब आप रोते रहेंगे। ईश्वर के नाम पर कोई नाचता गाँचता है तो भी बढ़िया, लेकिन भागवत के नाम पर नाचे गान चलेगा तो भागवत क्या? बाद में जब अनुभव हुआ कि बात आपने ठीक कही, तो हमने कहा कि दार्शनिक तथ्य को समझाने के लिए ही इतिहास और आख्यायिका का आलम्बन लिया जाता है। क्या? दार्शनिक तथ्य को समझाने के लिए ही इतिहास और आख्यायिका का आलम्बन लिया जाता है। इतिहास और आख्यायिका, पुरंजनी इतिहास नहीं है, पुरंजन पुरंजनी का जो आख्यान है वो कल्पित है। ऐसा हम गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य का संवाद बताया अर्जुन को, अनुगीता बहुत बढ़िया है। एक है गीता, एक है अनुगीता महाभारत। महाभारत युद्ध हो गया, अर्जुन ने क्या कहा? महाराज गीता का आपने उपदेश तो किया था, लेकिन उसके बाद तो मार काट चला, मनन का अवसर ही नहीं मिला। बात तो ठीक है यार, मनन का अवसर नहीं मिला, मैं तो भूल गया लीला सही नरसिंह। तो भगवान ने क्या कहा अनगीता पर, मैं पढ़िए, मैं भी चाहूँ तो अब उस गीता का उपदेश नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो दुर्लभ क्या, मेरे लिए भी गीता दुर्लभ है। मैं श्री कृष्ण जिसने तुमको गीता का उपदेश दिया, तुम बड़े ही, गाली दे दी भगवान ने, गाली का संबंध भी था, बड़े ही विचित्र निकले, गीता ज्ञान भी भूलने योग्य क्या? अब मैं भी चाहूँ तो गीता का उपदेश नहीं कर सकता। विकल्प रूप में अनुगीता सुनाया। मैंने एक महापुरुष भी, कुछ गुरुदेव धर्म सम्राट कटपाती जी महाराज की छत्र छाया में मैं नीचे बैठा था काशी में, उन्होंने का कुछ कथा वार्ता सुना, मुझसे कुछ निकल गया। उन्होंने कहा बेटा तुमने कहीं लिखा है ये? उन्होंने कहा नहीं।
उन्होंने कहा दोबारा यह ज्ञान आवे या न आवे विश्वास मत करना, जाओ अभी डायरी में लिखो, ये चीज दोबारा आवे या न आवे तुम्हारे लिए भी दुर्लभ हो जाए, अगर कहीं ने लिखा अभी लिख के आओ फिर बताओ। बहुत ऊँची बात भगवान ने कहा उस समय में, अपनी समाधि स्थिति में मैंने जो उपदेश किया मैं दोबारा चाहूँ तो मैं भी उपदेश नहीं कर सकता, इसलिए बहुत बढ़िया। जज स्वामी प्रभुचंद सुनते थे, एक दिन हमको कहा उन्होंने, कोई ये समझे कि मैं पुराना श्रोता हूँ, वक्ता हूँ, श्रोता हूँ, भूल करेगा, पता नहीं वक्ता के मुख से सरस्वती देवी किस दिन क्या चीज़ कहलवा दें, इसलिए नहीं समझना चाहिए पुराना श्रोता हूँ तो अवकाश प्राप्त श्रोता बन जाओ, ये नहीं। हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि प्राण की विशेषता क्या है, आसक्ति अहमिति से विहीन है प्राण, सीधे आसक्ति का विषय प्राण नहीं बनता और सीधे अहमिति का विषय प्राण नहीं बनता, इसलिए प्राण सोता ही नहीं है। प्राण जैसे सिद्धि अगर जीवन में लानी हो तो क्या करेंगे, प्राण में जो दिव्यता है उसको समझ करके जीवन में डालने का प्रयास करें, भोजन करते हैं, जल पीते हैं, अन्न पाते हैं, सब प्राण को ही जाता है, प्राण को ही जाता है, लेकिन पाले पोसे सकल अंग उपनिषदों में है, बृहदारण्यक में, तुलसीदास ने तो अनुवाद किया है, मूल है बृहदारण्यक में, प्राण क्या करता है, यथा योग्य कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेन्द्रिय को, अंतःकरण को, स्वयं को और शरीर को भी उसका जो भाव चाहिए जिस रूप में पहुंचा देता है। इसीलिए प्राण की विशेषता क्या है, अहंकार अहंकृति और आसक्ति विहीनता। प्राण जैसी दिव्यता जीवन में लाना चाहें आसक्ति और अहमिति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। पूज्यपाद महाराज से ये कथा सुनाते थे, कथा बना भी लेते थे समझाने के लिए। एक बाबा थे, उनके बाग में कोई बछिया आ गई चरने, मारने की नियत नहीं थी, डंडा फेंका, दैवोग से बछिया को डंडा लगा, बछिया मर गई, गोहत्या आ गई। बाबा बड़ा चतुर था, नकली वेदांती था, उसने कहा इंद्र को जाके लग गोहत्या, महाराज सुनाते थे, हाथ का देवता इंद्र, अगर इंद्र ने शक्ति न दी होती डंडा कैसे फेंकता, मुझे मत छू मैं वेदांती हूँ, इंद्र के द्वारा अपराध हुआ, इंद्र के पास जा। गोहत्या पहुँच गई बेचारी इंद्र के पास, यहाँ कैसे आई, तुम गोहत्यारे हो, मैं कहाँ गोहत्यारा हूँ। बाबा कहता अच्छा थोड़ी देर रुको, इंद्र ने छद्म रूप धारण किया बाबा के पास आके, ये आश्रम कितना बढ़िया है, लगता है कि बहुत बढ़िया किसी आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया होगा, और सर बाग कितना बढ़िया है, इसमें तो बहुत चंदन के भी वृक्ष हैं, क्या कहना, आम के भी वृक्ष हैं, ये सब नारायण सब जगह नारायण मैंने, तो उन्होंने कहा इतना सब तुमने किया गोहत्या, मैंने की नकली वेदांती लग जा। इसलिए प्राण की क्या विशेषता, अगर कोई व्यक्ति प्राण को गुरु बनावे माने प्राण से शिक्षा ले दत्तात्रेय महाराज की शैली में, आसक्ति और अहंकृति विहीन। एक विचित्र बात है, मैं विद्वान हूँ अगर किसी के मन में आ गया, व्यवहार संपादन के लिए बोलना अलग है, सचमुच वह अहमिति आ गई, अहम के गर्भ में विद्या पहुँच गई, विद्या सीमित हो, असीम विद्या उसी के पास है जो अहम को भी बाधित कर दे, अहम का भी पेट फाड़ दे माने अहम को भी बाधित कर दे। मैं विद्वान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, समझिए कम धन है, कम विद्या है, कम सुख है, इसलिए अहम का अतिक्रमण करके सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति की विशेषता आपने क्या बताई, द्वंद और ये सो गए, प्रैक्टिकल हो गया व्यवहार। सुषुप्ति की विशेषता क्या, भरद्वाज सो ही गए, अनुभव कर रहे थे सुषुप्ति की विशेषता।
सुषुप्ति की क्या विशेषता है? आसक्ति अहम की गति से अतीत भूमि है सुषुप्ति, इसलिए जब तक अहम है तब तक द्वंद्व और दुख है। जब तक अहम है तब तक द्वंद्व और दुख है। अहम से अतिक्रांत भूमि में द्वंद्व और दुख की गति नहीं है, जैसे कि सुषुप्ति में द्वंद्व और दुख की गति नहीं है। अहम व्यवहार के लिए होने पर भी जो अहम के वाच्यार्थ को बाधित कर लेता है उसके जीवन में द्वंद्व और दुख की पहुंच नहीं होती। द्वंद्वातीत होता है, दुख से अतीत होता है। सुषुप्ति में द्वंद्व और दुख की बीजावस्था रहती है, उस बीजावस्था को तत्वज्ञान रूपी अग्नि से गीता के चौथे अध्याय के आधार पर अनुसार जो भूनने में समर्थ हो जाता है। तो भर्जित बीजवत तत्वज्ञों का जो चित्त होता है भर्जित बीज के समान होता है। उत्क्रमण पुनर्भव में हेतु न होने पर भी जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। हम बद्रीनाथ में भी रहे हैं, हिमालय में बहुत रहे हैं, कन्याकुमारी में भी रहे हैं, रामेश्वरम में भी रहे हैं, पांडिचेरी में भी रहे हैं, श्रृंगेरी मठ में भी 87 दिनों तक रहे हैं। उस समय हिमालय के जो सिद्ध संत लोग होते थे उनका एक वाक्य होता था, अब वो सब वाक्य उड़ गया। जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद। याज्ञवल्क जी तो तत्वज्ञ थे गृहस्थाश्रम, फिर उनको गृहस्थाश्रम छोड़ने की आवश्यकता क्या हुई? जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति के लिए तत्वज्ञ भी प्रवृत्ति मार्ग का त्याग करके बाह्याभ्यंतर निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने चौथे अध्याय गीता के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया। अभ्यंतर कर्म अकर्म को भी कर्म बना देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक न करना भी कर्म है। कोई रूठ जाए, मैं नहीं जाता तुम क्या करोगे, मैं नहीं जाती तुम क्या करोगे, होता ही है। मुट्ठी हथेली को खोलना अगर कर्म है तो मुट्ठी बांध लेना भी कर्म है या नहीं? कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जो अकर्म है वह भी कर्म ही है। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म है, और कर्तृत्व बुद्धि नहीं है तो विशाल कर्म भी बद्री विशाल कोई कर्म नहीं। अगर कर्म के द्वारा ही व्यक्ति बंधे तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ज़्यादा बंधन के पात्र हो जाए। ब्रह्मा जी के समान कौन कर्म करता है? दो चार संतान उत्पन्न कर देगा, 15 कर देगा मुसलमान हो तो फिर क्या करेगा ब्रह्मा जी तो? क्या है ब्रह्मा जी? श्रीमद् भागवत के दूसरे और तीसरे स्कंध के अनुसार सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी हैं। सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी का स्वरूप क्या है? श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंध से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक। अब पूरा दूसरा तीसरा स्कंध पढ़ने का अवसर न हो तो अव्यक्तोपनिषद, केवल एक पृष्ठ की उपनिषद है अव्यक्तोपनिषद। एक व्यक्त हुए, सबसे पहले व्यक्त, प्रथम व्यक्त का नाम है ब्रह्मा जी, उन्हीं का नाम है हिरण्यगर्भ। अपने उद्गम स्थान अव्यक्त का दर्शन नहीं हुआ किनको? प्रथम व्यक्त पुरुष ब्रह्मा जी को। अव्यक्तोपनिषद, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे अपने उद्गम स्थान का ज्ञान नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा, होगा भी कैसे? जल तरंग अगर जल के था पता लगाने चले समुद्र के तरंग, समुद्र ही होना पड़ेगा, था पता क्या लगा, संभव ही नहीं। ब्रह्मा जी भी अपने उद्गम स्थान का था पता लगाने चले, था पता क्या लगाएंगे, उसमें विलीन हो जाएंगे और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं किससे प्रकट हुआ हूँ, इतना ही मालूम है कि मैं प्रकट हुआ हूँ, आकाशवाणी हुई, वो आकाशवाणी जिसमें आकाश भी नहीं बना था उस समय का आकाश। किसी को रोग मोल लेना हो तो समझ गए महेशानंद जी, ब्रेन हेमरेज मोलना हो तो एक ही वेदांत की गुत्थी रख दीजिए, आकाश नहीं बना था तब कैसा था, ब्रेन हेमरेज हो ही जाएगा क्या?
अवकाशप्रद होता है ना आकाश, आकाश का लक्षण है अवकाशप्रद। आकाश नहीं बना था तब कैसा था, ब्रेन हेमरेज में नहीं रहेगा। अगर ब्रेन हेमरेज बोलना लेना हो, मूर्छित होना हो, मानस रोग लेना हो, जब आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब कैसा था यह तो दिमाग तब चकरा जाएगा। इसलिए मैं अपने उद्गम स्थान को नहीं जान रहा हूँ। अव्यक्त पुरुष की वाणी सुनाई पड़ी, मेरा प्रथम कार्य हो तुम मुझसे प्रथम अभिव्यक्त पुरुष हो। अच्छा, मैंने जान लिया प्रथम व्यक्त पुरुष मैं हूँ, मेरा दायित्व क्या है, तुझ में जो पदार्थ और प्राणी सन्निहित हैं उनको क्रमशः सन्निकट, उनको सन्निकट क्रम से व्यक्त करो। ब्रह्मा जी ने कहा समर्थ हूँ। सन्निकट माने पहले आकाश को व्यक्त करो, फिर वायु को, फिर अग्नि को, फिर जल को, फिर पृथ्वी को। निर्विशेषता की आबादी है परमात्मा, सविशेषता की आबादी है पृथ्वी। सात ही तत्व क्यों हैं, सात तत्व हो गए या नहीं ब्रह्मसूत्र के अनुसार? कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कितने हो गए? पांच। अव्यक्त छः, सनातन अव्यक्त सात। अक्षरा अक्षर अव्यक्त सनातन अव्यक्त कहाँ क्या शब्द है? गीता के आठवें अध्याय अव्यक्तोक्षर सनातन अव्यक्त। गीता में दूसरे अध्याय में दो ही हैं, अव्यक्ताद व्यक्त या सर्वा, अव्यक्ताद व्यक्त या सर्वा प्रवंति हर आगम, वो अठारहवें अध्याय। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य व तत्र का परिवेदना परिदेवना परिदेवना। अव्यक्त और व्यक्त, लेकिन अव्यक्त के फिर दो भेद कर दिए आठवें अध्याय में। अव्यक्तोक्षर एक शाश्वत अव्यक्त, सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त होता है, एक व्यक्त को व्यक्त करने वाला अव्यक्त होता है। अव्यक्त के दो भेद हो गए आठवें अध्याय में, व्यक्त अव्यक्त, सनातन अव्यक्त। सनातन अव्यक्त का आठवें अध्याय में नाम है अक्षर अव्यक्त। अक्षर अव्यक्त का नाम ही परमात्मा है, आत्मा है। उसके समाश्रित कौन है? अव्यक्त ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति ही। निरालंबोपनिषद, ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति। प्रकृति को ही अव्यक्त कहते हैं, प्रधान कहते हैं, माया भी कहते हैं। प्रकृति का नाम ही प्रधान है, अव्यक्त है, माया है। यह मम योनिर्महद ब्रह्म, महद ब्रह्म भी गीता में प्रधान का नाम ही है। तो आज के प्रवचन का सारांश, मुझे मालूम है स्वामी वामदेव जी महाराज मेरी टिप्पणी करते थे कि एक बंदर इस डाल से उस डाल, उस पेड़ से उस पेड़ तक पड़ जाए, तो कहते थे दंडी स्वामी के वक्तव्य में दिमाग चकनाचूर हो जाता है, किस दर्शन पे कब उछल पड़े, कहाँ उछल पड़े, समझ पाना, हृदयंगम कर पाना बड़ा कठिन होता है। हमारे आरंभ से शैली ऐसी है, इसलिए हमने संकेत किया आज के प्रवचन का सार क्या निकला। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्म का फल अनित्य होता है, जो कृतक होता है अनित्य होता है। कहाँ? मुंडक उपनिषद। इसलिए पूज्यपाद महाराज कहते थे दयानंद स्वामी, आर्य समाज के संस्थापक के बारे में कहते थे, जब उन्होंने कर्म से मोक्ष माना तो कर्म का फल अनित्य होता है, तो आर्य समाज के सिद्धांत के अनुसार जो मुक्त होते हैं जी फिर जन्म ले लेते हैं महाप्रलय के बाद। क्या स्वामी जी आलोचना नहीं करते थे? वो कहते थे बिल्कुल ठीक है, जब उन्होंने कर्म का फल मोक्ष माना तो मोक्ष तो अनित्य होगा ही। बात क्या हुई, एक अंग्रेज से पाला पड़ गया दयानंद स्वामी। अंग्रेज ने कह दिया स्वामी जी एक वन में कितने भी वृक्ष क्यों ना हो, एक एक वृक्ष पर हजारों पक्षी क्यों ना हो, एक एक पक्षी उड़ना
प्रारंभ कर दें तो कभी न कभी तो वन पक्षी से भी हो ही जाएगा। तो जीवों का भंडार कितना भी क्यों न हो, एक एक जीव जब आपके अनुसार मुक्त होता जाएगा, कभी न कभी जीव समाप्त हो जाएंगे तो भगवान की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अब जीव ही नहीं रहेंगे तो जीवार्था सृष्टि का स्वरूप क्या होगा। सृष्टि के कितने वेद हैं, दो कहानी का है, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद, जीवार्था सृष्टि और आत्मार्था सृष्टि। वैकुंठ में जो परिकर आदि हैं वो कौन है, आत्मार्था सृष्टि। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, आत्मार्था सृष्टि, और यहाँ जीवार्था सृष्टि है। ज्ञानंदा स्वामी का दिमाग चकरा गया, बात तो ठीक कहता है, एक एक जीव अगर मुक्त होते जाएंगे कभी न कभी जीवों का भंडार शांत हो जाएगा तो ईश्वर की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तब उन्होंने कहा, मैं सदा के लिए मोक्ष मानूंगा ही नहीं। इस समय जो मुक्त हो गया तब तक मुक्त रहेगा जब तक महाप्रलय ना हो। महाप्रलय की अवधि में तो सब जीव समान ही होते हैं क्या, सदैव संवेदन अग्रयासित। लेकिन जब महाप्रलय के बाद सृष्टि रचना होगी तो इस कल्प उस कल्प में पूर्व कल्प में जो मुक्त जीव था वो भी फिर जन्म ले लेगा। इसलिए ईश्वर के यहाँ जीवों का भंडार कभी बंद नहीं होगा। तुम्हारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, उनको कहना चाहिए था दयानंद स्वामी को अनंत हैं, असंख्य हैं। असंख्य का अर्थ ही होता है कितना भी निकालो कितने भी, कभी अंत नहीं होगा। अंत में एक उदाहरण देते हैं, एक भी असंख्य हो जाता है, ये बाहर भरद्वाज, एक भी असंख्य हो जाता है। स्वप्न में एक जीव होता है या नहीं, हम लोग होते एक जीव स्वप्न में, स्वप्न में एक जीव होते हैं ना। और स्वप्न में अगर विचार करके देखें तो 1,00,000 व्यक्ति की सभा दिखाई पड़े तो वो कहाँ से आ गए व्यक्ति, लाखों पक्षी दिखाई पड़े, लाखों प्राणी दिखाई पड़े तो क्या हो गया। फिर एक होने पर भी वासना की प्रगल्भता से लाखों करोड़ों जीवों के रूप में अभिव्यक्ति होती है इन्हीं स्वप्न में। और ऊंची बात है कि त्यागा क्षांतरनंतरम स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच की दास्ता, अनिच्छन्न पे भी अगर नींद आ जाए स्वप्न आ जाए तो क्या होगा, रपट पड़े तो हरिगंगा। अनिच्छन्न पे भी त्याग हो जाए तो उसका लाभ होता है। अनिच्छन्न पे ध्यान नहीं गया होगा, किसी न किसी शरीर में पिछले जन्म हम आप थे या नहीं, भगवान के तो साक्षात अवतार नहीं है, दम भी नहीं है, किसी न किसी शरीर में थे या नहीं। न चाहने पर भी वो शरीर छूटे गया, कल्पना कीजिए, नहीं मरना चाहते तो शरीर छूट गया, उस अनिच्छन्न पे जो त्याग हुआ उसका लाभ है ना। पिछले जन्म की पत्नी कौन थी, पिछले जन्म में बाबा थे या क्या थे, रिश्तेदार कौन थे, नाकेदार कौन थे, घर क्या था, सब पर पानी फेर दिया या नहीं। ये अनिच्छन्न पे भी त्याग हो जाए तो उसका लाभ होता है। अरबों अनादि काल से अरबों शरीरों को सब बना चुके, सब रिश्तेदार नातेदार भवन सब समाप्त, न चाहने पर भी जो मृत्यु के माध्यम से त्याग हो जाता है उस त्याग का लाभ हम उठा रहे हैं। पूर्व जन्म के रिश्तेदार नातेदार शत्रु मित्र कोई सुख दुख में हेतु नहीं बनते। त्याग अगर अनिच्छन्न भी हो जाए, न चाहने पर भी किसी को नींद आ जाए तो नींद में द्वंद्व और दुख से अतीत हो जाता है। तो मैंने विषय उठाया था स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का अभानात्मक वियोग हो जाता है स्वप्न में। त्यागा क्षांतरनंतरम, उस समय हमारे आपके जीवन में इतनी क्षमता आती है, हम पृथ्वी बना लेते हैं, जल बना लेते हैं, माने पृथ्वी हो जाते हैं मनोद्वार से, जल हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, अग्नि हो जाते हैं, वायु हो जाते हैं, आकाश हो जाते हैं, करोड़ों स्थावर जंगम प्राणी हो जाते हैं। केवल स्थूल प्रपंच का अभानात्मक वियोग होने पर, अनिच्छन्न भी त्याग होने पर इतना बल और वेग प्राप्त हो जाता है। इस रहस्य को जान करके जब कोई स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में उतारना चाहता है, कहाँ लिखा है, विभूति पाद योग दर्शन,
और श्रीमद् भागवत के गारमा स्कन स्वप्न के रहस्य को स्थूल प्रपंच में तादात्म्य पत्ति की निवृत्ति हो जाने के कारण स्थूल प्रपंच और स्थूल शरीर का भावनात्मक वियोग हो जाने के कारण स्वप्नावस्था में इतनी सिद्धि हो जाती है। अगर जागृत में स्वप्न की सिद्धि को कोई उतारना चाहे, विज्ञान तो हम लोगों के पास है, उतारना चाहे तो जागृत में भी कायव्यूह की रचना कर सकता है। कायव्यूह प्रकाशव्यूह हजारों रूपों में अपने को व्यक्त कर सकता है। आगे जो युद्ध होगा उसमें वो सब करना ही पड़ेगा, लाखों रूपों में हजारों रूपों में ख्यापित करना ही पड़ेगा, तो हमने संकेत किया। इसलिए व्यावहारिक धरातल पर भी इस ज्ञान को उतारने का प्रयास करना चाहिए। सुन के छोड़ देते हैं, इसलिए जीवन में दिव्यता बहुत कम आती है। सुनना भी भाग्य की बात है, लेकिन अगर प्रयोग करें तो गाढ़ी नींद में द्वंद और दुख नहीं, समाधि में द्वंद और दुख का बीज भी नहीं, सुषुप्ति में द्वंद और दुख का बीज रहता है, स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाने के कारण इतनी शक्ति प्राप्त होती है जीव को कि जीव स्वयं ही मनोयोग से अर्धनिर्दृत मनोयोग से स्वप्न का अर्थ क्या है, कर्मेंद्रियों कहाँ से बोल रहे, पैंगलोपनिषद, कर्मेंद्रियों के सो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिर्दृत हो जाने पर, निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से जब अर्धनिर्दृत मन ही ग्राही ग्राहक भाव के रूप में स्वयं को परिणत कर देता है तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। कहाँ से बोल रहे, पैंगलोपनिषद श्रीमद् और छांदोपनिषद के 8वें अध्याय के अनुसार अगर स्वप्न को एक वाक्य में बोलें तो कर्मेंद्रियों के सो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिवृत्त हो जाने पर, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के योग से जब जीव स्वयं ही मनोद्वार से ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाता है तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। हर हर महादेव।